हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद श्योगुल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोज़ेरेला चीज़, वो भी सिर्फ दूध से हम बनाने वाले हैं और बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोज़ेरेला चीज़। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैंने हैवी बॉटम वाली एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और ये बफेलो मिल्क है, तो इसका चीज़ एकदम वाइट बनेगा। तो हमें इसको उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म ही करना है और यहाँ पे हम गैस की आंच मीडियम रखेंगे। हमें इसको ऐसा गर्म करना है कि जब हम इसको उंगली डाल के चेक करें तो हमारी उंगली जले भी नहीं और हमें एहसास हो कि नहीं, दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो हमारा दूध एकदम लुकवॉर्म गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विनेगर डालेंगे बिकॉज हमें दूध को फाड़ना है। तो यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 6 बड़ी चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने 4 बड़ी चम्मच डाला था, उसके बाद मैंने उसको 20-30 सेकंड तक हिला दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे 2 टेबलस्पून बड़े चाहिए, तो उसमें विनेगर मैंने फिर से डाल दिया है। और हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। जब हमारा दूध लुकवॉर्म हो जाए उसके तुरंत ही बाद हमें गैस की फ्लेम यहाँ पे ऑफ रखनी है, उसको ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा दूध धीरे धीरे फटने लगा है। आप यहाँ पे सिर्फ विनेगर से ही दूध को फाड़ना, यहाँ पे आप लेमन जूस का यूज़ मत करना, विनेगर से ही ये अच्छा फटेगा। और हमारा दूध जो है थोड़ा थोड़ा कर्ड फॉर्म में आने लगा है, तो हमें बस वैसा ही चाहिए। जब आप इसको उंगली की मदद से टच करोगे तो ये एकदम सॉफ्ट होगा और एकदम ये लचीलापन है इसके अंदर। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, ढक्कन ढकने के बाद उसको 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये हमारा कर्ड निकला है उसको हम छन्नी की मदद से एक बाउल में छान लेंगे। इसमें जो भी पानी है वो पानी हम इसमें से निकाल देंगे चम्मच की मदद से, धीरे धीरे इस तरह से आप करिए तो निकल जाएगा। उसको एकदम प्रेस मत करिएगा, उसको जेंटली ही इसको प्रेस करिएगा। तो बस हमारा पानी इसमें से थोड़ा थोड़ा जो भी है निकलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा हम हाथों की मदद से उसको दबाते जाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से इसमें से पानी निकल चुका है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ एक बड़ा सा बाउल लिया था, उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला है और उसके अंदर मैंने 1/2 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक अच्छी तरह से उसमें मिलाना है हमें। तो नमक अच्छी तरह से उसमें घुल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ था हमारा उसको यहाँ पे हम डिप करेंगे और इस गर्म पानी में हमें 7 से 8 बार उसको डिप करना है, फिर बाहर निकाल के उसमें से थोड़ा सा पानी निकालना है। इससे क्या होगा कि अंदर जो विनेगर है वो विनेगर की स्मेल नहीं रहेगी।
यहाँ पे आप देख पाएंगे जो चीज़ है हमारा एकदम बिल्कुल चीज़ फॉर्म में आने लगा है। तो बस आप इसी तरह से 7 से 8 बार करना प्रोसेस, तो ये चीज़ आपका बहुत अच्छी तरह से इजीली घर पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एकदम ठंडा सा पानी लिया है और उसके अंदर थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए हैं। तो ये चीज़ है जो हमने गर्म पानी में उसको डुबोया था, तो बस इसको हमें अब ठंडे पानी में 40 से 50 सेकंड के लिए हमें इसको अंदर ऐसे डिप करना है। तो बस हमारा चीज़ इसी तरह से बन गया है, बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। तो चीज़ एकदम ठंडा हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिंग रैप की मदद से हम इसको टाइट रैप कर लेंगे। और आप इस टाइम पे चीज़ को कोई भी शेप दे सकते हो, आपको जो पसंद आता हो वो आप शेप यहाँ पे दे सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे मैंने एकदम इसको टाइट रैप कर दिया है। चीज़ को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो क्या होगा कि अपना शेप ले लेगा। तो 1 घंटे के बाद हमारा चीज़ एकदम रेडी हो चुका है। अब आप इसे कोई भी आइटम, पिज़्ज़ा या कुछ भी बना सकते हो, आपको जो पसंद हो वो। तो यहाँ पे मैंने जो क्लिंग रैप लगाया था वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे मैं चीज़ के स्लाइस कर रही हूँ। तो हमारा चीज़ घर पे कैसा बना है वो देखने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 ब्रेड स्लाइस ली है और दोनों ब्रेड पे मैंने शेज़वान चटनी अप्लाई कर दी है। और यहाँ पे मैंने जो हमारा चीज़ बनाया था उसकी भी स्लाइस अरेंज कर ली है। उसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और ऑरेगेनो डाला है, आपके पास पिज़्ज़ा मिक्स हो तो वो भी डाल दीजिए। अब हम एक तवे पे बटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो शेज़वान चटनी वाला जो ब्रेड है उसको हम सेक लेंगे अच्छी तरह से दोनों तरफ से। तो गाइज़ आप देख सकते हो हमारा चीज़ मोज़रेला चीज़ एकदम परफेक्टली मेल्ट हो चुका है। जो मार्केट में हम पिज़्ज़ा खाते हैं उसके ऊपर जो चीज़ होता है उसी तरह का हमारा ये चीज़ घर पे ही बन चुका है। तो आप घर पे इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और इस वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।